नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में औरंगाबाद बिहार के जो 60 साल के ऊपर के वृद्धजन हैं, तो उनके लिए जो पेंशन की सुविधा दी जाती है, तो इसके लिए जो है वो आवेदन जो है वो 26 जून तक किया जा सकता है। इसके रिलेटेड जो अपडेट निकल कर आ रहा है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। और साथ में जो 70 साल के ऊपर के जो वृद्ध है, तो उनके लिए आवेदन कहाँ पे करना है ताकि उनको जो है वो कम से कम तकलीफ हो, तो इसके बारे में जो अपडेट है तो वो अभी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट वृद्धों को मिलने वाली पेंशन के लिए जो आवेदन किए जाने वाला है, तो उसके संदर्भ में निकल कर आ रहा है, तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल अपडेट है इसको जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिहार औरंगाबाद के जो 60 साल के ऊपर के जो वृद्ध है, तो उनके लिए जो पेंशन का आवेदन जो है वो 26 जून तक जमा होगा, ऐसा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है। तो जी हां दोस्तों, जामोर पंचायत कार्यालय में लाभुकों की सुविधा को लेकर 26 जून तक 70 वर्ष से ऊपर के लाभुकों को पंचायत कार्यालय में वृद्ध जन आवेदन जमा होंगे। मुखिया सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक की। मुखिया ने SDO डॉक्टर प्रदीप कुमार एवं BDO प्रभाकर कुमार सिंह से आग्रह किया कि 70 वर्ष के अधिक उम्र वाले लाभुकों को औरंगाबाद जाने में परेशानी होगी। मुखिया के आग्रह पर अधिकारियों ने प्रखंड कर्मी के देखरेख में प्रखंड कार्यालय में आवेदन लेने का निर्देश दिया है। मुखिया ने कहा कि 60 से 69 वर्ष के लाभुकों को औरंगाबाद कार्यालय में वृद्धजन आवेदन जमा करने होंगे। पंचायत कार्यालय जामोर में 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले लाभुकों के आवेदन जमा होंगे। ग्रामीणों से कहा कि इस बारे में जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें जाकर बताएं। BDO ने बताया कि मुखिया के आग्रह पर 70 वर्ष के उम्र के अधिक को प्रखंड कर्मी के उपस्थिति में प्रखंड कार्यालय में आवेदन जमा लेने का निर्देश दिया गया है। BDO ने बताया कि मुखिया के आग्रह पर 70 वर्ष के उम्र के अधिक को प्रखंड कर्मी के उपस्थिति में प्रखंड कार्यालय में आवेदन जमा लेने का निर्देश दिया गया है। मौके पर कई ग्रामीण उपस्थित रहे। बता दें कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के ग्रामीणों को वृद्ध पेंशन दिया जाना है। तो जी हाँ दोस्तों, 60 से अधिक उम्र के ग्रामीणों को वृद्ध पेंशन दिए जाने के लिए जो आवेदन है, तो वो 60 से 69 वर्ष के लाभुकों को औरंगाबाद कार्यालय में जाकर अपने आवेदन जो जमा करवाने होंगे, और जो लाभुक 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं, तो उनका जो आवेदन है वो प्रखंड कर्मी के उपस्थिति में प्रखंड कार्यालय में जमा करवाना है। तो इसी के संदर्भ में जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा था, तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट 26 जून तक आवेदन जमा करने के लिए निकल कर आ रहा है, तो इसकी जानकारी बाकी वृद्धों को भी मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, 26 जून तक जो वृद्ध पेंशन के लिए आवेदन किए जाने वाला है, तो इसी के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आ रहा था, तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।